साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह ने अभी से कमर कस ली है। यही वजह है कि शाह इन दिनों बंगाल के दौरे पर है। शाह ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। इसी प्रकार का उत्साह, इसी प्रकार का स्वागत दिखाई पड़ा। एक और तो ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। जिस प्रकार से दारुण गरीबी के अंदर फंसे हुए बंगाल में मोदी सरकार ने भेजी हुई सारी सुविधाएं, मदद और बंगाल के लोगों को अपना जीवन धोरण सुधारने के लिए जिस प्रकार का आश्वासन भारत सरकार ने दिया है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा। मैं इसी क्षेत्र की बात कर लूं, आदिवासी बहुल क्षेत्र के अंदर ना आदिवासियों के लिए जो घर के पैसे भेजे हैं वो आदिवासियों तक पहुंचे हैं, ना किसानों को 6,000 रुपया मिलना चाहिए हर साल वो मिल रहा है, ना हर गरीब परिवार को 5,00,000 रुपये का स्वास्थ्य का सुविधा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। भारत सरकार की 80 से ज्यादा योजनाएं जो गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए है उसको ममता सरकार रोक कर बैठी है। मैं ममता दीदी को बताना चाहता हूं कि आपके मन में भय है कि इन योजनाओं को रोकने से आप भारतीय जनता पार्टी को रोक लोगी, तो आपकी भ्रांति है। आप एक गरीब लोगों के लिए मोदी जी ने जो 6,000 रुपया प्रति साल भेजा है वो पहुंचने दीजिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचने दीजिए, शौचालय पहुंचने दीजिए, इनका घर उन तक पहुंचने दीजिए, तो शायद थोड़ा बहुत भी आपके लिए सोचेंगे। जिस प्रकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युदंड बन चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने आया हूं कि बंगाल एक सरहदी प्रांत है, देश की सुरक्षा बंगाल की आंतरिक सुरक्षा के साथ जुड़ी है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, बंगाल के युवा को रोजगारी देने के लिए और बंगाल के गरीब लोगों को दारुण गरीबी से बाहर निकालने के लिए इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। एक मौका सर भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम आने वाले दिनों में यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भरसक। सर बंगाल में चुनावी उन्होंने बंगाल में अगले साल बहुमत से सरकार बनाने का दावा भी किया। इसके अलावा उन्होंने दलित परिवार के घर भोजन भी किया।